तो दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री में किंग खान का नाम बेशुमार है। 2023 पूरी तरह से शाहरुख खान के नाम रहा। बताया जा रहा है कि इस साल किंग खान की ढेर सारी मूवीज आई और सभी फिल्मों ने करोड़ों की कमाई की है। फैंस में शाहरुख खान का क्रेज पिछले समय से काफी ज्यादा हो रहा था। उन्हें पूरी वीरता के साथ साल 2023 में हासिल कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों की बोलती बंद कर दी, जो ये कहने लगे थे कि बॉलीवुड में शाहरुख खान कभी वापसी नहीं कर पाएंगे। लेकिन साल 2023 में जनवरी में उनकी फिल्म पठान रिलीज हुई और एक बार फिर से शाहरुख खान का जादू चल गया। बता दें कि साल 2023 में किंग खान ने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, लेकिन उनका एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद ही आगे कभी बन पाए। किंग खान ने इस साल कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाए। बता दें फिल्म पठान 500 करोड़ कमाने वाली हिंदी की पहली फिल्म साबित हुई। इसके बाद वे हिंदी सिनेमा के ऐसे अभिनेता है जिनकी दो फिल्मों ने 500 करोड़ की कमाई की है। इसके अलावा उन्होंने एक ऐसा खास रिकॉर्ड भी बना दिया है जिसे तोड़ पाना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। अभी कुछ समय पहले ही उनकी पठान जवान और अब डंकी भी रिलीज हुई है। दुनिया भर की जनता ने इन तीनों फिल्मों को बहुत धूमधाम से देखा। इन फिल्मों के दौरान थिएटर्स में भारी भीड़ नजर आई थी और लोगों ने अपने फेवरेट सुपरस्टार शाहरुख खान की वापसी को खूब चीयर भी किया। डंकी की शानदार सफलता के बाद शाहरुख खान ने 2023 में हैट्रिक बनाई। पठान जवान और डंकी के साथ किंग खान ने पूरे साल में बॉक्स ऑफिस पर राज किया है। पठान ने 1,050 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई की, जबकि दुनिया भर में जवान ने 1,148 करोड़ रुपए की कमाई की। और अब डंकी ने एक ही साल में ब्लॉकबस्टर देने के किंग खान के सिलसिले को जारी रखते हुए 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। 4 साल के अंतराल के बाद भी शाहरुख खान की 2023 जनवरी में फिल्म पठान के साथ जबरदस्त वापसी ने बॉलीवुड में जान फूंक दी है। इसमें उनके खतरनाक एक्शन और स्टंट सीक्वेंस ने सभी को हैरान कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पठान ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म में किंग खान के अलावा दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम भी अहम भूमिका में थे। वैसे दोस्तों आपका किंग खान शाहरुख खान के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी शाहरुख खान के डाई हार्ट फैन है तो ऐसे ही शाहरुख खान की मूवीज से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।